देवघर में पंचायत चुनाव की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। जिले के 2498 मतदान केंद्रों पर तैयारियों की हुई बैठक। देवघर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी की समीक्षा की गई। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने से पहले सारी तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को अपडेट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारी की समीक्षा की। आज हम लोगों ने तीन बिंदुओं पर बैठक की। एक पंचायत चुनाव के संबंध में तैयारियाँ, इसके लिए जितने हम लोगों को मतदान कर्मियों का आवश्यकता है, सामग्री कोषांग कर और उसके बाद मतदान पेटी का, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने तैयारी कर दी और रूट चार्ट हो गया, मतदान जितने भी बिल्डिंग्स है वहाँ सेक्टर ऑफिसर्स जो है जाके उसको वेरीफाई करें। और इसके बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का भी समीक्षा किया है। हम लोगों को संस्थागत प्रसव जो है उसकी यहाँ संख्या बहुत कम है, तो उसको और बेहतर करना है। तो फिर उसके बाद रूटीन इम्यूनाइजेशन की संख्या बहुत कम है, उसको भी अच्छा करना है। फैमिली प्लानिंग में भी और हम लोग बेटर कर सकते हैं। और समाज कल्याण का भी हम लोगों ने जो खासकर कुपोषण केंद्र जो है उसमें अभी भी बहुत सारे बेड खाली है और यहाँ रेड जोन में और ये सैम बच्चे भी हैं हमारे जिले में, तो उन सबको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि लेडी सुपरवाइजर्स और CDPO और MOIC उन सभी लोगों को MPC केंद्र में भर्ती करते हुए उनको मॉनिटर करके और सैम से रेड आ जाए, रेड से फिर येलो आ जाए और उनको उनका जो ग्रोथ जो है नॉर्मल आने के लिए हम लोगों ने बताया।